दोस्तों आईपीएल 2021 के शुरू होने से पहले ही दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल के 14वें सीजन में नहीं खेल पाएंगे। अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। अय्यर को अपने कंधे की सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसके चलते वह 4-5 महीने क्रिकेट के मैदान पर वापसी नहीं कर सकेंगे। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि अय्यर की गैर मौजूदगी में दिल्ली कैपिटल्स की कमान कौन संभालेगा। दिल्ली कैपिटल्स के पास कप्तानी को लेकर कम विकल्प नहीं है, और शायद यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट भी इसे लेकर दुविधा में होगा कि किसे टीम की कमान सौंपी जाए। पृथ्वी शाह, ऋषभ पंत, अश्विन, स्मिथ और अजिंक्य रहाणे कप्तान बनने की दौड़ में है। अश्विन, स्मिथ और रहाणे के पास आईपीएल में कप्तानी का अनुभव है, तो वहीं पृथ्वी शाह की कप्तानी में हाल ही में मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी खिताब भी जीता और ऋषभ पंत टीम के उप कप्तान थे, तो उन्हें कप्तान बनाया जा सकता है। पंत इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और साथ ही विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हैं, ऐसे में उनको कप्तान बनाने की सबसे ज्यादा चर्चा है। पंत को ऑनफील्ड सलाह देने के लिए स्मिथ, अश्विन, रहाणे जैसे सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद होंगे। तो बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ट्वीट में लिखा है, साल 2021 आईपीएल में ऋषभ पंत हमारे कैप्टन होंगे। तो 10 अप्रैल को ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। क्रिकेट की और अपडेट्स देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।